Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 15 and the name of our unit is Inventions. Today we are going to study about two very major inventions, which is electricity and aeroplane. So my dear students, humne impact ke bare mein to padhte ja rahe hain ki kya impact hai. तो अब हम इन दोनों इन्वेंशन के इम्पैक्ट के बारे में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी नेम सम मेजर इन्वेंशंस. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेजर रीसेंट इन्वेंशंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरोप्लेन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू एनालाइज रीसेंट इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी. तो इधर से हम एनालाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को और एरोप्लेन को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, और किस तरीके से इन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज किया, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. क्या आप बिजली के बगैर जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? अगर एक घंटे के लिए भी लाइट जाती है तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं. सो अब आजकल के जमाने में, प्रेजेंट डेज में, लाइट के बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जिंदगी जो है वो तकरीबन नामुमकिन है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द रीडिंग, फॉर व्हिच यू नीड टू ओपन पेज नंबर 142 इन योर जीके 2-3 बुक्स. आई होप एवरीबॉडी हैज ओपन द पेज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड. इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन. आफ्टर इट्स इन्वेंशन, मेनी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड डिस्कवरीज हैव बीन मेड दैट एक्चुअली चेंज आवर लाइफस्टाइल. Impacts on life. We are absolutely dependent upon electricity in our everyday life. Most of the inventions are at our home and outside are run by electricity. For example, electrical bulbs, fan, air conditioners, refrigerators, computer, microwave, oven, washing machine, electrical heaters, television, etc. It has now become impossible to live without electricity. So my dear students, electricity बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी में. इससे हमारी life को बहुत comfortable कर दिया है. इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन की वजह से ही बहुत सारी और इन्वेंशन हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंशन जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि पंखे, लाइटें, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर्स, इवन आपका मोबाइल फोन भी आप बिजली से चार्ज करते हैं. ये तमाम इन्वेंशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो जिंदगी जो है वो आजकल ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. So my dear students, these all appliances, they work on electricity. So now we are going to discuss about another very important invention, which is aeroplane. Aeroplane was invented by Orville and Wilbur Wright in 1903. Inko Wright brothers bhi kaha jata hai in America. The great invention has conquered distances due to its speed and efficiency. It has made it possible to travel across the sea in hours. सो माई डियर स्टूडेंट्स, राइट ब्रदर्स जो है, इनको उर्दू में राइट ब्रदरान भी कहा जाता है. इन्होंने 1903 में अमेरिका में पहला जो प्लेन है वो इजाद किया था. और इसकी वजह से इसी प्लेन में जैसे जैसे जिद्दत आती गई, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई वक्त के साथ साथ, इसने फासलों को भी समेट दिया और इसने हमारे वक्त को भी बहुत ज्यादा बचा लिया. आप कई घंटों का सफर जो है वो मिनटों में तय कर लेते हैं. जैसे कि अगर इस्लामाबाद से कराची आपको गाड़ी पर जाना हो तो कम से कम आपको 24 घंटे लगते हैं, वन फुल डे लगता है. लेकिन इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद से कराची जहाज में सफर करें तो ये सफर एक घंटे में मुकम्मल हो जाता है. तो कैन यू इमेजिन द स्पीड. सोचें अब आप कि इसने कितना ज्यादा आपका वक्त भी बचा लिया, फासले को भी समेट दिया. और अगर आपके पास वक्त की दौलत हो तो हर चीज जो है वो आसान और बेहतर हो जाती है. The Lockheed SR-71 Blackbird is the fastest aircraft in the world with a speed of more than 3500 km per hour. It is almost 4 times faster than a commercial aircraft. Paste its picture in your scrapbook. So my dear students, aapne Lockheed SR-71 jo ki duniya ka sabse tez tayara hai, aapne iski picture ko apni scrapbook mein lagana hai ya aap isko apni copy mein bhi laga sakte hain. Impacts on life. चले अब हम इन दोनों inventions की impact के बारे में पढ़ते हैं. The greatest reduction is distance due to aeroplanes and their modification forms has promoted trade. It has diversified the knowledge as students from one corner of the world can go for study to another.
Aeroplanes have made different cultures closer, creating cultural harmony. It is rightly said that the impacts of aeroplane are beyond measures. So my dear students, अब एरोप्लेन का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे ये है कि इसने हमारी जिंदगी को, फासलों को और इसके अलावा वक्त को बहुत ही ज्यादा जो है वो सेव किया है. और इसीलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि एरोप्लेन के जो फवायद है वो ऑलमोस्ट जो है बियॉन्ड मेयर्स है. ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. बहुत हैवी हैवी मशीनरी जो है और ट्रेडिंग का सामान जो है इसके ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. इसके अलावा अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल करना है तो आपको कई दिनों का या महीनों का सफर तय नहीं करना पड़ेगा. आप इस सफर को मिनटों में तय कर सकते हैं, यानी कि यू कैन गो अक्रॉस द सी विद इन फ्यू आवर्स जस्ट बाय सिटिंग इन एन एरोप्लेन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स हैं. इसने आपको रोशनी फराहम करता है, आपके कमरे को ठंडा रखता है. इसके अलावा मुख्तलिफ अप्लायंसेस जो है वो इसके ऊपर वर्क करती हैं. और एरोप्लेन ने जैसे कि मैंने कहा वक्त को और फासलों को दोनों को ही समेट दिया है. सो नाउ इज द टाइम फॉर एन होम एक्टिविटी, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी और इसके बाद आप इसे घर से कंप्लीट करेंगे. होम एक्टिविटी नंबर वन, इमेजिन योर सिटी हैव टू फेस पावर ब्रेक डाउन फॉर अ वीक. How will be your life then? List the actions, tasks you cannot perform in such scenario. Use your notebook if needed. So my dear students, अगर आप सोचें कि आपके एक हफ्ते के लिए आपके इलाके में बिजली जो है वो चली जाए, पूरे एक हफ्ते के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, for one week, seven days के लिए, तो आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीजें जो है वो आप नहीं कर पाएंगे. आपने गिवन स्पेस में लिखना है. अगर ये स्पेस आपके लिए काफी ना हो तो आप अपनी नोटबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So life without electricity will be dark because we do our every work on electricity. Even every other invention also runs on electricity, such as computer, internet, AC, tube light, etc. So it will be impossible for us to perform any work. यहाँ तक कि आपके घर में जो पानी भरा जाता है वो भी बिजली की मोटर से जो है वो खींच कर आता है. अगर बिजली नहीं होगी तो फिर पानी भी नहीं होगा. So we cannot perform washing, cooking and we cannot press our clothes. So another home activity number two is discuss aeroplanes as great invention. Prepare a report based on your conclusion. So my dear students, aeroplanes जो है ये एक बहुत बड़ी invention है. आपने इसके बारे में अपने parents के साथ discuss करना है कि इसकी क्या क्या जो है वो किस तरह से ये बहुत ज्यादा अहम है. उनसे भी सुने और खुद भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि एरोप्लेन किस तरह अहम है. और उसके बाद next day अपने class fellows से आपने इसको आके school में discuss करना है. सो माई डियर स्टूडेंट्स, एरोप्लेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने एक तो डिस्टेंस को कम कर दिया है. आप कई घंटे का जो सफर है आप उसको थोड़े टाइम में कर सकते हैं. और जब आप थोड़े टाइम में करेंगे तो इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा. नाउ इज द टाइम फॉर इवेल्युएशन. सो माई डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी दैट वाई इज इलेक्ट्रिसिटी एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन. इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज we use it every day and a lot of other appliances also work on electricity. So imagine the life without electricity. What will be, will it be easy or not? It will be extremely difficult to live without electricity. What purpose does an aeroplane serve? It helps us in traveling. Has aeroplane any effect on the life of a person who never get on it? Give your opinion. So kya kisi aise shakhs ke upar aeroplane mein ka koi asar hoga jo ke kabhi jo hai जहाज में नहीं बैठा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ऊपर एरोप्लेन का इफेक्ट होता है. जैसे अगर आप कभी जहाज में नहीं बैठे या मैं कभी जहाज में नहीं बैठी, स्टिल मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी मैं इस्तेमाल कर रही होंगी जो कि एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेडिंग होती है, तजारत की जाती है, तो हो सकता है वो एरोप्लेन में ही आती हूं. इसके अलावा मेरे भाई अगर बाहर रहते हैं तो वो बाहर के मुल्क रहते हैं, तो अगर वो मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूंगी? मैं तो जा नहीं रही एरोप्लेन में बैठ के, तो वो मुझसे मिलने आएंगे. तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ के ऊपर एरोप्लेन्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट है. तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिस फॉर विच यू नीड टू डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर. So write down your name and the roll number and then tell how electricity changed our life. Electricity ne kis tarike se hamari zindagiyon ko badal diya hai. You can also take help from the book. Name some inventions that run on electricity. You can write washing machine, fridge, TV, AC, they all run on electricity. Who invented aeroplane? Wright brother. You can write their names individually. What is the impact of aeroplane on life?
So for this question, you can also take help from the book. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do home activity number 1 given on page number 142, and you will also do home activity number 2 given on page number 143. I have helped you out to perform both the activities at the home. Okay, so rewatch the video if you find any difficulty. So my dear students, in today's lecture, we have learned about two very important inventions, which is electricity and aeroplane, and they have a very good impact on our life and they have made our lives very comfortable. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.